الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين जूस 24 है ये सुरज उमर जो है उसका कंटिन्यूशन लेकिन नेक्स्ट रुको आता है रुको नंबर फोर आया नंबर 33 से लेके 41 तक तो। जिसमें अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी है ये बताया गया है उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात उसके पास आए तो वो झुटला दे जब दीन की बात बताई जाती है तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कुरान में या हदीस में जो सच्ची बात लेकर आए और जिसने उसकी तस्दीक की वही मुती लोग हैं वो जो चाहेंगे अल्लाह के यहाँ पाएंगे जो चाहे उनको मिलेगा अगर उनसे कोई गलती हुई तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा उनके अमाल का बेहतरीन बदला मिलेगा क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफ़ी नहीं अल्लाह पूछ रहे हैं याद रखो गुमराहों को हिदायत नहीं मिलती और जो हिदायत पर हैं उन्हें गुमराह करने वाला कोई नहीं अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो तुम्हारे बातिल माबूद उसे दूर नहीं कर सकते ना वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं अल्लाह हम कोई खैर देना चाहे तो वो भी रोक नहीं सकते सुनो जो हिदायत पाता है तो अपने फ़ायदे के लिए और जो गुमराह होता है वो अपना ही नुकसान करता है तो हमें चॉइस दी गई है हमें भी और जिन्हों को भी चॉइस दी गई है तो सिलेक्शन आपके हाथ में दो ही ऑप्शन है जन्नत या जहन्नम फिर आगे रुको नंबर फाइव आता है आए नंबर फोर्टी टू से लेके फिफ़्टी टू तक जिसमें बताया गया कि रूह का रोकना या उसको छोड़ देना उसके बारे में और मुशरिकों को शफात नसीब नहीं होगी कोई सिफारश नहीं कर पाएगा मुशरिकों का फरमाया अल्लाह ही रूहों को उनकी मौत के वक्त और जिनकी मौत नहीं आई उनकी नींद के वक्त कब्ज़ कर लेता है तो हम जब सोते हैं तब भी हमारी रूह कब्ज़ कर ली जाती है फिर जिन पर मौत का हुक्म लग जाता है तो उन रूहों को रोक लिया जाता है कई बार आपने सुने होंगे कि कोई सो गया और सुबह में देखते हैं उसको नमाज के लिए उठा रहे वो फौत हो चुका था नींद में ही वो उसकी मौत आ गई ऐसे कई हम खबरें सुनते हैं इसलिए कि उसकी मौत का वक्त आ गया था अल्लाह ने उसकी रूह को रोक लिया और बाकी रूहों को वो एक मुकर्रा वक्त तक के लिए छोड़ देता है नहीं जिसके ऊपर मौत का भी हुक्म नहीं आया नींद में उसकी जो रूह है वो कब्ज़ कर ली गई लेकिन वापस वो रूह को छोड़ दिया गया गौर करने वालों के लिए इसमें यकीन है, ये भी साइंटिफिकल है लेकिन इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं कि इसके डिटेल में जाए फिर आगे फरमाया अल्लाह के यहाँ किसी की सिफ़ारिश न चल सकेगी क्योंकि कायनात का बाख्तियार मालिक अल्लाह है और आगे फरमाया उन मश्रकों का हाल ऐसा है कि अल्लाह का नाम सुनकर उनके दिल कुड़ने लगते हैं सिर्फ़ एक अल्लाह की बात करते हैं तो कुड़ने लगते हैं नफ़रतें उनमें आ जाती हैं और जब अल्लाह के अलावा किसी और का ज़िक्र होता है तो खुशी से खिल उठते हैं कयामत के दिन ये ालिम चाहेंगे कि दुनिया भर की दौलत देकर अजाब इलाही से जान छुड़ा ले मगर ऐसा कभी ना होगा आज अगर हम दावत देते हैं तो कहते हैं, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन उस वक्त क्या कहेंगे जितना कुछ हमारे पास है सब ले लो फिद में लेकिन हमारी जान छुड़ा दो लेकिन उस वक्त कोई काम नहीं आएगा ना बच्चे ना माल दौलत कुछ भी काम नहीं आएगी पहले ना शुक्रे भी अपने किए कि सज़ा पा चुके हैं और ये भी सजा से नहीं बच सकेंगे क्या उन्हें इल्म नहीं कि रिस्क के तंगी और फराकी अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है फिर रुको नंबर सिक्स है आया नंबर 53 से लेकर 63 तक जिसमें बताया गया है कि अल्लाह के रहमत से मायूस न हो और अहले इखलास की नजात का ऐलान किया गया है या रसूल अल्लाह वसल्लम आप मेरे बंदों को खुशखबरी दे दे या अला फ़ुसिम ला तकन तुम रहमतिल्लाह इन न वाह यक फ़िरजुनू बजमिया ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो अल्लाह तो सब गुनाह को माफ़ कर देता है सुबह अल्लाह यानी अगर तुमने अपनी ज़िंदियाँ शिर का कुफर और बेकार कामों में भी बर्बाद की है फिर भी अल्लाह के रहमत से मायूस न हो वो सारे गुना वो भी माफ कर देगा तुम्हारे शिरक और कुफर को भी माफ़ कर देगा शर्त यह है कि तुम माफ़ी मांगो और कुफ़र व शिरक और बेकार कामों की तरफ वापस न लौटो अल्लाह का आजाब आने से पहले ईमान ले आओ और कुरान की पैरवी करो वरना क्या होगा वरना कल तुम पछताओगे और दुनिया में वापस जाने की दरख्वास्त करोगे कि अल्लाह एक बार भेज दे वापस भेज दे लेकिन तुम्हारी दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी सुनी नहीं जाएगी और कहा जाएगा कि तुमने उस दिन को छुटलाया था तकबुर किया था और तुमने कुफर किया था आप लो उसकी सज़ा भुगतो नजात सिर्फ़ अल्लाह से डरने वालों के लिए हैं वही नजात पाने वाले हैं रुको नंबर सेवन है आया नंबर सिक्सटी फोर से लेके सेवेंटी तक जिसमें कयामत के हालात के बारे में आता है आप ऐलान फरमा दें क्या है नादानो भला तुम मुझे गैरुल्ला की इबादत का हुक्म देते हो हालांकि मेरी तरफ और मुझसे पहले सारे नबियों की तरफ वही की गई है कि जो शिरक करेगा उसके अमल ज़ाया हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो कुछ अमल उसके काम नहीं आने वाला जो भी शर्क करेगा और आगे फरमाया उन मुशरिकों ने अल्लाह की क़दर नहीं पहचानी जबकि आख़रत में तमाम इख्तियार सिर्फ अल्लाह के कब्ज़े में होंगे जब सूर फूका जाएगा और सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे फिर जब दोबारा सूर फूका जाएगा तो सब खड़े हो जाएंगे दो बार सूर फूका जाएगा पहला जब सूर फूका जाएगा सब के सब बिल्कुल लेट जाएंगे बेहोश हो जाएंगे लेकिन दूसरा जब सूर फूका जाएगा सबको होश आएगी इवन जो मौत का फरिश्ता जो जान लेने आता है वो भी उसे भी मौत दी जाएगी ज़मीन अल्लाह के नूर से चमक उठेगी आमाल नामों का दफ्तर खोल दिया जाएगा नबियों और गवाहों को हाजिर किया जाएगा कि किसके लिए पूछताछ होगी और लोगों के दरमियान इंसाफ़ के साथ फ़ैसला किया जाएगा इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं किसके साथ इंसाफ़ किया जाए बड़े से बड़ा वकील बड़े से बड़ा जज भी उस तरह से इंसाफ नहीं दे सकता जिस तरह से अल्लाह देगा फिर लास्ट रुकू आता है सूरज जुमर का रुकू नंबर एट है आय नंबर सेवेंटी वन से लेके सेवेंटी नाइन तक जिसमें जन्नती और जहन्नमी के बारे में बताया गया है जहन्नमी हाँक कर दो की तरफ लाए जाएंगे हाँकते हुए दारोगा जहन्नम के कहेंगे जो गेट कीपर होंगे वो कहेंगे तुम्हारे सामने अल्लाह के अहकाम पड़े गए थे आज के दिन से तुम्हें डराया भी गया था जब तुम दुनिया में थे मगर तुमने परवाह ना की अब जहन्नम के बदतरीन ठिकाने में तुम्हारा दाखला होगा तुम उसमें दाखिल हो जाओ और इसके बरक्स मुतकी जन्नत में ले जाए जाएंगे, जुमरा ग्रुप वाइज ग्रुप के ग्रुप जाएगा जन्नत के दरवाज़े पर खुश आमदीद कहने वाले जो दारोगा फरिश्ते हैं वो उनको सलाम करेंगे उनको खुश आमदीद कहेंगे खुशखबरी देंगे जन्नती कहेंगे अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको इस ज़मीन का वारिस बना दिया अब हम जन्नत में जहाँ चाहे रह सकते हैं आप देखेंगे कि फ़रिश्ते अर्श के गिरद हल्का बनाए हुए होंगे और वह अपने रब की हमद व तस्वीर कर रहे होंगे क्या माहौल होगा हर तरफ़ अल्लाह की तस्वीर अल्लाह की याद और लोगों के दरमियान ठीक ठीक फ़ैसला किया जाएगा और कहा जाएगा क्या कहा जाएगा कहा जाएगा रब्बिल आलमीन क्या पुकारा जाएगा तमाम तारीफ़ें अल्लाह आलमीन के लिए सिर्फ़ अल्लाह की तस्बीह और तारीफ़ यहाँ पर हमारे सुर जुमर कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सुरह मोमिन शुरा नंबर फोर्टी है इसमें नाइन रुकू है और 85 आयत आते हैं सुरह मोमिन का दूसरा नाम सुरह गाफिर भी आता है मोमिन का मतलब क्या होता है मोमिन ईमान वाला और गाफिर का मतलब क्या है गफरस है ना बकशने वाला गुनाह माफ़ कर वाला चौथे रुको में मोमिन का लफ्ज़ आया हुआ है इसलिए इसको सुर मोमिन कहते हैं और तीसरी आयत में गाफिर का लफ्ज़ आया हुआ है इसलिए इसको गाफिर का भी नाम दिया गया है और इस सूर्य की जो शुरुआत होती है वह हामीम से होती है हामीम से शुरू होने वाले सात सूरते हैं सेवन सूरते उसको हवामीम सबा कहा जाता है सबा यानी सेवन इसमें जो टॉपिक है हामीम जो सबा हामीम है उसमें कुछ टॉपिक कॉमन आएंगे जैसे क्या है मुशतरकवान जैसे आएगा दावत दावतरण कुरान कुरान की तरफ दावत दी गई है दावत हक पर ज़ोर दिया गया हक़ पे हक़ की दावत पे ज़ोर दिया गया है और आयत का जो अंदाज़ है वो बहुत मौसर है इन्हें इफ़ेक्टिव स्टाइल में बताया गया है और वैसे भी मक्की सूरतें हैं बहुत इफ़ेक्टिव हैं इस सूरत में पहले कौमों का तस्करा है और पहले कौमों के तस्करे के साथ मुखालफिन कुरान को यानी जो कुरान की मुखालफत करते हैं उनका अंजाम बद से आगाह किया गया ख़बरदार किया गया है चले शुरू करते हैं सुर मोमिन या सुर गाफिर रुको नंबर वन है आया नंबर वन से लेकर नाइन तक जिसमें मुखालफिन कुरान का अंजाम बताया गया है और अल्लाह की कुदरतों का भी बयान और साथ साथ फ़रिश्तों के मोमिनों के लिए दुआएं। फरिश्ते भी मोमिन के लिए दुआ करते हैं ना उसके बारे में होता है ये किताब अज़ीज़ और आलिम की तरफ़ से उतारी गई है जो गुनाह बखशने वाला तोबा कबूल करने वाला सख्त सज़ा देने वाला भी बड़ा साहिब फ़जल है इन्हें डराया भी गया और खुशखबरी भी दी गई उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं ये काफिर जो अल्लाह की आयत में झगड़ा करते हैं शहरों में उनका चलना फिरना आपको किसी धोखे में ना डालें यानी आप उनकी दुनियाई माल व दौलत है उनके जो इसबाब है उनकी जो खुशहाली और तरक्की है उसको देखकर धोखे में मुबतला ना हो क्योंकि बिला इनका अंजाम क्या होना है बदतरीन अंजाम होने वाला है इन काफिरों का क्योंकि उनके लिए जहन्नम में आगे ये ज़रूर अजाब में मुबतला होंगे उनसे पहले काफिरों की मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं उन्होंने रसूलों को झुटलाया मगर फिर पकड़े गए दूसरी तरफ मोमिनों के लिए हामिल अर्श हामिल ने अर्श के जो फरिश्ते हैं, फरिश्ते ऐसे फरिश्ते जो अर्श उठाए हुए कितने मजबूत होते हैं अर्श उठाने वाले फरिश्ते हामिल ने और जो फ़रिश्ते वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह उन्हें बख्शते उनकी तोबा को भूल फरमा उन्हें दोजक़ के अजाब से बचा उनको जन्नत में दाखिल फरमा और उनके बाप दादा और उनकी बीवियों या शोहरों को भी जन्नत में दाखिल फरमा तो ये फरिश्ते भी दुआ कर रहे हैं सारे मोमिनों के लिए तो हमें मोमिनों की तरह बद गया रहना है फिर आगे टू है नंबर नंबर से तक जिसमें कयामत का मंजर बयान किया गया है काफिरों से कयामत के दिन कहा जाएगा कि आज तुम्हें जिस कदर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनको काफिरों को जहन्नम में जब डाला जाएगा वो अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहे होंगे क्योंकि उनके हाथ बोल रहे हैं उनके पैर बोल रहे हैं सारे आज़ा बोलना शुरू कर देंगे अपने ऊपर ही गुस्सा कर रहे होंगे इससे ज़्यादा अल्लाह ताला को तुम पर गुस्सा आता था कब जब तुमको ईमान की तरफ बुलाया जाता और तुम इनकार करते थे तब अल्लाह को इस तरह से गु़स्सा आता था उस वक्त काफिर कहेंगे अल्लाह हम तेरे पास आ गए हम अपनी गलती का इकरार करते हैं हमने मान लिया हम गलत थे हम अभी मान लाते हैं वापस जाने की कोई सूरत हो तो हमें अच्छे काम करने का वादा हम करते हैं कि हम जाके अच्छे काम करेंगे नेक बनेंगे फरमाया जाएगा हरगिज नहीं तुम्हें अल्लाह वाहिद की तरफ़ बुलाया जाता था तो तुम इनकार करते थे तुमको कहा जाता था एक अल्लाह की इबादत करो तो तुम इनकारी बन गए थे और शिरक करते थे ये फैसला अल्लाह का है सुन लो रिस्क वही देता है खालिस उसी को पुकारा करो बुलंद दर्जो वाला अर्श का मालिक जिसको चाहता है नबूत अदा करता है क्योंकि ये लोग क्वेश्चन करते थे क्यों इनको ही क्यों नबूत मिली हम तो उनसे ज़्यादा मालदार हैं हमें मिलनी चाहिए थी तो कहा गया कि नबूत जिसको अल्लाह चाहे उसे नवाजेगा रोज़े महशर क़यामत के दिन कोई शे छुपी नहीं होगी अल्लाह पूछेगा क्या पूछेगा लिमन मुल्कुल आज बादशाहत है किसकी बादशाहत है आज बड़े बड़े बादशाह बने हुए थे इस दुनिया में सारे लोग खामोश कोई जवाब नहीं किसी की आवाज़ नहीं भनक भी नहीं फिर जवाब दिया जाएगा इस सवाल का लिल्ला ही वाहि दिल का हार अल्लाह ही की जो अकेला बड़ी कुवतों वाला है सिर्फ अल्लाह की ही बादशाहत कहाँ गए वो बादशाह जो बड़े बन रहे थे इस दुनिया में मैंने अल्लाह पूछेगा ये सवाल और जवाब भी दिया जाएगा खालिस उसी की हुकूमत होगी हर शख्स को अपने किए का पूरा पूरा बदला मिलेगा जो भी उसने किया अच्छा या बुरा वो दिन ऐसा होगा जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे उस दिन निगाहों की चोरी और सीनों के रास्त तक खोल दिए जाएंगे जो भी सीनों में तुमने छुपा के रखा था उसका फैसला बरहक होगा फिर को नंबर थ्री आया नंबर ट्वेंटी वन से लेके ट्वेंटी सेवन तक जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिर उनके बारे में आता है क्या उन्होंने दुनिया के सैर नहीं की दुनिया में कहीं तो जाते थे ना फिरते थे क्या अपने घर के अंदर ही नहीं बैठे हैं कोई भी क्या उन्होंने दुनिया की सैर नहीं की और नहीं देखा कि उनसे पहले लोगों का क्या अंजाम हुआ उनसे पहले जो लोग थे हर एतबार से ताकतवर थे मगर वह अपने गुनाहों के पादाश में पकड़े गए तुमसे भी कई गुना ताकतवर कौमें थी है। तुम कुछ भी नहीं हो वन टेंथ भी नहीं हो वो माल में भी बहुत ताकतवर थे और जिस्मानी तौर पे भी थे औलाद भी उनकी इतनी ज़्यादा थी इस सिलसिले में हज़रत मूसा की नबूत और फ़िरौन की तबाही का वाक़ काबिल गौर है मूसा फ़िरौन के पास गए फिरौन ने मूसा की बात सुनने के बजाय ईमान वालों के बेटों को कत्ल करने का हुक्म दिया और औरतों को ज़िंदा रखने का फिरौन ने मूसा आसलम को कत्ल करने का भी इरादा जाहिर कर दिया को नंबर फ़ोर है आया नंबर ट्वेंटी एट से लेके थर्टी सेवन तक जिसमें दरबार फिर में एक मोमिन हक की तरफ से वो दावत दे रहा था नॉर्मल मोमिन था फिरोन के दरबार में लेकिन उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था ज़ाहिर नहीं किया तो उसके बारे में आता है उस वक्त आले फ़िरौन में से एक मोमिन जो अपना ईमान छुपाता था कहने लगा तुम ऐसे शख्स को कत्ल करने का इरादा रखते हो जो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है यही रीज़न है इसकी वजह से तुमने कत्ल करने का इरादा किया अगर ये झूठा है तो इसका झूठ का वबार उसी पर होगा और अगर ये सच्चा है तो अल्लाह के अजाब से नहीं तुम बच सकते ऐ मेरी कॉम आज यकीन तुम्हारे पास हुकूमत है मगर अल्लाह का अजाब आया तो तुम्हें कौन बचाएगा फिर ने कहा, मैं तो अपनी राय पर कायम हूँ ईमान वाले ने कहा डरो उस अजाब से जो कौम नुख कौम आद कौम समूद और उनके बाद आने वालों पर आया तुम तो यूसुफ़ सलाम के बाद कहते थे कि आप कोई नबी नहीं आएगा यही लास्ट है याद रखो अल्लाह की आयात में झगड़ने वाले अल्लाह की सख्त नाराज़गी के मुस्तक हैं फिरौन ने कहा है हमान मेरे लिए एक ऊंचा महल बना दे ताकि मैं देखूं मूसा सलाम के रब को झांक कर देखूं कि कहाँ है वो वैसे भी मैं उसे झूठा ख्याल करता हूँ बहुत बदतमीज़ था ये फिरौन फ़ेर को नंबर फाइव है आय नंबर थर्टी एट से लेके फिफ्टी तक जिसमें वही टॉपिक पहले आएगा जो मोमिन जो दावत कर रहा था मोमिन की दावत फिरोनीओं को और नाफ़रमानों का जो हाल है उसके बारे में आएगा मोमिन मर्द ने कहा कि लोगों मैं तुम्हें सीधी राह बताता हूँ ये सीधा रास्ता है मेरी बात मान लो अच्छे अमल करने वाले जन्नत में जाएंगे हालांकि ये नॉर्मल आदमी था ऐसा नहीं था कि नबी था या कोई रसूल था नॉर्मल लेकिन डेरिंग की उसने और कहां पूरे लोगों को बुराई के मुताबिक सज़ा मिलेगी मेरी कॉम तुम मुझे कुफर की दावत देते हो और मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ़ बुलाता हूँ मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ फिर उस मोमिन मर्द को सलाम के साथ बचा लिया गया अब फिर उन्होंने भी प्लान किया था इस मोमिन मर्द को मारने के लिए लेकिन वो झट से मारना नहीं चाहता था तबसरों में आता है कि वो चाहता था कि इसके हाथ पाँव काटे जाए उसको फिजिकली टॉर्चर किया जाए बाद में उसको मारा जाए क्योंकि उसके फिरौन की यही आदत थी वो झट से नहीं मारना चाहता था तो किसी न किसी तरह अल्लाह ने बचा लिया उसको वो मुसीम के साथ बच गया और फिरनीयों को उनके बुरे अमाल ने घेर लिया वो सुबह व शाम दो जख्क़ के सामने पेश किए जाते हैं अब देखिए यही जो बात बताई गई है बरजक के जो अजाब की दलील हैं ये सबसे बड़ी दलील है लोग कहते हैं कि बरजक में कौन सा अजाब या कौन सा अच्छा अजर मिलने वाला है वहाँ थोड़ी जन्नत जहन्नम होगी वो तो कयामत के दिन होगी तो यहाँ बड़ा प्रूफ मिलता है दलील मिलती है कि बर्ज़क् की भी ज़िंदगी होती है फिरोन की बॉडी को आज भी आग पेश की जाती है लेकिन वो आग किस तरह पेश की जाती है वो हम नहीं जान सकते क्योंकि ये बर्जक का मामला है लेकिन होता तो ज़रूर है कई लोग इस बात को मानते ही नहीं अब देखिए जो माइक्रोवेव होता है उसमें आग कहाँ होती है क्या आपको आग नज़र आती है लेकिन जो भी खाना है वो पक रहा है ना गर्म होता है पकता है तो ये कैसे होता है आप उसको मानते हो उस चीज़ को मानते हो जो आप देख रहे हैं माइक्रोवेव उसमें आग नज़र नहीं आती फिर भी लोग मान लेते हैं फिर इस बर्जक की ज़िंदगी में भी इस तरह से चीज़ें हो सकती उसको क्यों नहीं मान रहे बहरहाल सुबह व शाम दो के सामने पेश किए जाते हैं ये जो फिरौन है वो सुबह व शाम दो के सामने पेश किए जाते हैं तो बरज़क़ के अजाब की ये दलील है और क़यामत के दिन उनको सख्त तरीन सज़ा मिलेगी दोज़ख में दो की बाहम झगड़ेंगे एक दूसरे से झगड़ा करेंगे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाएंगे ये लोग जहन्नम के फ़रिश्ते उनसे कहेंगे कि तुमने रसूलों की बात नहीं सुनी थी अब अजाब बर्दाश्त करो किसकी हिम्मत है अजाब बर्दाश्त करने की यह दुनिया के अजाबों की तरह अजाब नहीं होगा बल्कि बहुत ही सख्त जिसको हम बयान नहीं कर सकते फिर रुकू नंबर सिक्स है आया नंबर फिफ्टी वन से लेके सिक्सटी तक जिसमें रसूलों और मोमिनों से अल्लाह की मदद का जो वादा है उसके बारे में बताया गया है अल्लाह की तरफ़ से दुनिया और आख़रत में रसूलों और मोमिनों की मदद करना तयशुदा अमर है अल्लाह की मदद रसूलों के साथ हमेशा रही और मोमिनों के साथ भी आगे फरमाया मूसा सलाम को हिदायत दी गई और बनी इसराइल तौरात के वारिस बने आप अलैहि वसल्लम से भी कहा गया कि आप भी सब्र करें जैसे पहले रसूलों ने सबर किया तो आप भी सबर करें। अल्लाह का वादा बरहक है जैसे अल्लाह ने पहले भी रसूलों की मदद की थी तो अब आपकी भी मदद करेगा अल्लाह के हुक्मों में झगड़ने वालों के दिलों में गुरूर भरा हुआ है इसलिए अल्लाह के जो भी फैसले होते हैं उनके बारे में वो झगड़ते रहते हैं कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों ये तकबुर करने वाले हैं फिर आगे फरमाया क्या आसमान और ज़मीन का बनाना लोगों की पैदाइश से ज़्यादा मुश्किल है आप गौर तो करें कि आसमान और ज़मीन बनाना मुश्किल है कि इंसान को बनाना मुश्किल है अंधा और देखने वाला नेकोकार और बदकार हरगिज बराबर नहीं हो सकते फिर आगे फरमाया कयामत जरूर आएगी गारंटेड आएगी हंड्रेड परसेंट आएगी और मेरी इतात के मुकाबले में अकड़ने वाले जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे इसलिए आज ही अल्लाह की इतात करना शुरू कर दो उसके बाद रुकू नंबर सेवन है आया नंबर सिक्सटी वन से लेके सिक्सटी एट तक जिसमें अल्लाह ताला के कुदरतों के बारे में बताया गया है अल्लाह ने तुम्हारे सुकून के लिए रात बनाई तो रात किस लिए होती है सुकून के लिए होती है आराम करने के लिए होती है अल्लाह ने रात इसलिए नहीं बनाई कि रात भर घूमते फिरते रहो या पार्टी वगैरह करते रहो बल्कि रात सुकून के लिए बनाइए और कामकाज के लिए दिन को रोशन किया तो दिन के वक्त कामकाज करना है लेकिन आज लोग इसके बरक्स सारे काम कर रहे हैं बहरहाल अल्लाह खालिक और हकी मबूद है वही खालिक है तुम्हारा वही हकीकी मबूद है फिर तुम कहां बहके जा रहे हो उसने जमीन को ठिकाना और आसमान को छत बनाया जरा गौर करें क्या आसमान हमारे लिए एक छत है अगर आसमान ना होता तो क्या होता सोचे उम्दा रोजी रोजिया की और तुम्हारी अच्छी सूरते बनाई सोचे कि हमारी नाक अगर हाथी के सोंड की तरह होती तो हम किस तरह दिखते अगर हमारे कान बढ़ते बढ़ते लंबे हो जाते तो हम किस तरह दिखते अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारी खूबसूरत सूरतें अल्लाह ने बनाई तुम्हारा रब रबालमीन बहुत बाबरकत है बरकत वाला है इसलिए उसी को पुकारो और बता दो कि हमें उसके सिवा किसी को पुकारने की इजाज़त ही नहीं है सिर्फ हमें अल्लाह को ही पुकारना है उसी ने इंसान को मिट्टी से बनाया फिर कई मरहले कई स्टेजेस तय करके बच्चे को पैदा किया फिर वो बच्चा जवान हो गया जवान होकर फिर बूढ़ा हो जाता है और कोई इससे पहले यानी बूढ़ा होने से पहले ही मर जाता है ज़िंदगी और मौत उसके सिवा किसी के कब्जे में नहीं है अल्लाह ही ज़िंदगी देता है और अल्लाह ही मौत देता है हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए और जब हम जाएंगे तब भी अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से ही जाएंगे जब उसने हमारी मौत लिखी है उसके बाद रुकू नंबर एट है आया नंबर सिक्सटी नाइन से लेके सेवेंटी एट तक जिसमें इनकार करने वालों का अंजाम बताया गया है आपने नहीं देखा जो अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं ये वही लोग हैं जो अल्लाह की किताब और रसूलों की दावत को झुटलाते हैं न ही अल्लाह की किताब को मानते हैं कुरान को भी नहीं मानते और रसूलों को भी नहीं मानते ऐसे लोगों को कयामत के दिन तोक पिनाया जाएगा उनके गर्दनों में तोक होंगे जंजीरों से बंधे हुए होंगे ये इमेजिन करें कि गर्दनों में तोक है और जंजीरों में बंधे हुए भी हैं ऊपर से नीचे तक जिनमें जकड़ कर वो घसीटे जाएंगे और इतना ही नहीं बल्कि खोलते हुए बॉइलिंग वाटर में खोलते हुए पानी की तरफ डाल दिए जाएंगे वो आग में जला दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा क्या कहा जाएगा लाओ अपने, बातील माबुदों लाओ अपने बातिल मबूदों को लाओ अपने को उस वक्त वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए क्योंकि कहीं नजर नहीं आएंगे कहाँ चले गए कहीं तो गुम हो गए कहा जाएगा कि तुम दुनिया में बहुत अकड़ते थे बहुत इतराते थे तकबर था ना तुमको अब चलो जहन्नम में यही तुम्हारा ठिकाना है अल्लाह मज़ा बिजहनम आजा बिलक़ब्रामीन यार अपल आलमीन आगे फरमाया हमने आपसे पहले कई रसूल भेजे बास के हालात आपको बताए गए हैं और बास के हालात नहीं बताए गए जब कौम ने उनकी बात न मानी तो हक़ के मुताबिक फ़ैसला कर दिया गया जब कौम को बताया गया लेकिन फिर भी नहीं मानी तो फिर उनका फ़ैसला हो चुका उसके बाद रुकू नंबर नाइन है आय नंबर सेवेंटी नाइन से लेके कर एट्टी फाइव तक जिसमें में अज़ाब आने पर तोबा बे हैं यानी अजाब को देखने के बाद कोई अगर तोबा करता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके बारे में आता है अल्लाह ने तुम्हारी सवारी खुराक यानी गिज़ा और बाज़ दूसरे फ़ायदों के लिए मवेशी पैदा किए जो तुम जानवर इस्तेमाल करते हो वो किसके लिए सवारी करने के लिए इस्तेमाल करते हो जैसे ऊँट वग़ैरह तो सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हो और खुराक के लिए भी उसको जैसे ऊँट वगैरह है बकरी वग़ैरह है तो उनको तुम खाते हो और दूसरे भी उनके फ़ायदे हैं जैसे लिबास वग़ैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कई फायदे रखे उसमें मवेशियों में कश्तियाँ भी बहरी सफ़र में तुम्हारे काम आती हैं कश्तियाँ भी किस लिए हैं हमारे ही फ़ायदे के लिए हैं ना कि हम बहरी सफ़र कर सकें समंदर का सफ़र कर सके दरियाओं का सफ़र कर सके तो ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं दुनिया में चल फिर कर देखो कि पहले काफिर तुमसे कई ज़्यादा ताकतवर थे आपको सभी को हिस्ट्री पता होगी कि कैसे कैसे लोग गुजर चुके जो काफिर थे बहुत ज़्यादा ताकतवर थे लेकिन आज कहाँ हैं वो कहाँ गए वो मगर जब उन्होंने रसूलों की बात न मानी तो उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ और ये सबको पता है किसके साथ क्या हुआ हिस्ट्री बताती है हमें क़ुरान भी बताता है कि क्या क्या हुआ उनके साथ क्या अजाब आया और जब अजाब सामने आ गया तो उन्हें ईमान लाने की सूझी उन्होंने सोचा कि अब हमने अजाब देख लिया है अब हम ईमान लाएंगे जैसे फिरौन वगैरह था तो वह अजाब देखने के बाद ईमान लाने की उनको सूझी कई कौम ऐसी गुजरी जो अजाब देखने के बाद ईमान लाने का सोच रही थी मगर ऐसे वक्त में ईमान कहाँ फ़ायदा देता और एक बात याद रखें अगर किसी को भी मौत के फरिश्ते नजर आए और वो सौ बार भी इस्तफार कर रहा है तो भी ये बेफायदा है क्योंकि एक बार मौत के फरिश्ते नज़र आए तो फिर ख़त्म टाइम इज़ ओवर तुम्हारा जो वक्त था मुकर्र वक्त वो ख़त्म हो गया तुमको टाइम दिया गया था इस दुनिया में यह अल्लाह का मुकरर करदा जब्ता है उस वक्त काफिर खसारे में रहेंगे उनको नुकसान होगा उस वक्त इसलिए अब सिरातलमुस्तकीम पर आ जाए अब हिदायत पर आ जाए वरना पछतावा होगा हसरतें होगी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी अल अलमोमिन या सुर गाफिर कंप्लीट हो गई सुर हामिम सजदा ये सुरा नंबर फोर्टी वन आती है रुको इसमें सिक्स आते हैं और आयात फिफ्टी फ़ोर हामिम सजदा का दूसरा नाम फिलत भी है फसिलत का मतलब होता है खोल कर बयान करना वाज़ करके बयान करना और हामीम क्या है हरू मुखात में से आता है और सजदा नाम इसलिए दिया गया है कि इस सूरत में एक जगह सज़दे तिलावत आता है इसलिए हामीम के बाद अस सज़दा का इजाफ़ा कर दिया गया है तीसरे आयत और 44 फ़ोर आयत में फस्लत का नाम आया हुआ है इसलिए इसको सूर फलत भी कहा जाता है इस सूरत मुबारक का जो मौजू है अगेन दावत कुरान की तरफ़ दावत क्योंकि यह हामीम से शुरू हो रही है ना सूरा, तो उसका कॉमन टॉपिक मैंने पहले ही बताई थी और इस्लाम की दावत का इनकार करने वालों का जो अंजाम है वो भी जिक्र किया गया है चलिए शुरू करते हैं सुर हामीम सजदा या फसलत रुको नंबर वन है आया नंबर वन से लेके एट तक इसमें क़ुरान और साहेब कुरान का पैगाम इसके बारे में आता है और रमान और रहीम अल्लाह ने अरबी ज़बान में बशारत देने वाली और डराने वाली किताब नाजिल की है उस एहसान का हक़ हाँ यह था कि लोग इस किताब की क़दर करते लेकिन ये नहायत तकबर से कहते हैं कि हम तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं हमारे दिलों पर गिलाफ पड़े हुए गिलाफ चढ़ गए हैं भी जो भी बोलेंगे हमें समझ में नहीं आएगा उनको बता दे कि मैं तो तुम्हारे जैसा ही इंसान हूँ लेकिन मुझ पर वही नाजिल होती है फ़र्क यह है कि मैं एक रसूल हूँ वही नाजिल हो रही है बस ये फ़र्क है हक़ीकी बाहूद एक ही है उसी से ताल्लुक जोड़ो और बख्शिश मांगो याद रखो जो जकवात नहीं देते और आखिरत का इनकार करते हैं उनके लिए बड़ी ख़राबी है और नेकुकार मोमिनों के लिए अल्लाह के यहाँ न ख़त्म होने वाला जर है रुको नंबर टू है आया नंबर नाइन से लेके एटीन तक जिसमें पहले कॉमों से इबरत लेने को कहा गया है कि पहली जो कौम थी उससे दर से इबरत लो आप उन मुशरिकों को कहिए कि तुम उस अल्लाह के शरीक बनाते हो जिसने ज़मीन दो दिनों में बनाई फिर उसमें पहाड़ खड़े कर दिए और उसमें बरकत रख दी और उसमें सारी ज़रूरियात का इंतज़ाम फिर कर दिया कि सारे इंतज़ाम चार दिनों में फरमाएँ फिर आसमान बनाया और ज़मीन और आसमान को फर्मा बरदारी का हुक्म दिया जैसे अल्लाह ने कहा वैसे ही वो कर रहे हैं ज़मीन हो या आसमान उसी तरह काम कर रहे हैं वो अपने मालिक के बनाए हुए नक्शे पर ढलते चले जा रहे हैं फिर अल्लाह ताला ने आसमान दुनिया को सितारों से मुजीन किया ख़ूबसूरत बना दिया और ख़ूब महफूज बना दिया अगर महफूज नहीं बनाता तो हर तारा अपने ऊपर गिर जाता और हम खाक हो जाते हैं अगर अब भी ये काफ़िर अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहे हैं तो कहिए उन पर आद और समुद जैसा अजाब ना आ जाए उनके पैगंबर हर तरफ से अल्लाह का पैगाम लेकर आए कौम आद ने ज़मीन में नाहक तकबर किया और कौम समूद ने हिदायत के मुकाबले में अंधेपन को पसंद किया दोनों कौमों को अल्लाह के अजाब अला ने पकड़ लिया अल्लाह के अजाब ने उनको पकड़ा और हमने ईमान वालों को बचा लिया फिर रुको नंबर थ्री है आए नंबर नाइनटीन से लेके ट्वेंटी फाइव तक जिसमें अल्लाह के दुश्मनों का अंजाम उसके बारे में आता है कयामत के रोज अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ खुद उनके कान खुद उनकी आँखें और खुद उनकी ख़ाले इसकी इन गवाही देंगी मुंह बंद कर दिया जाएगा सारे झा बोलेंगे काफिर अपने जिस्मों से कहेंगे कि खुद हमारे खिलाफ क्यों गवाह बन गए देखो तुम गवाह तो सजा होनी वाली है। अब दुनिया में तो कभी बोलते नहीं थे ये क्या हो गया कि अब हमारे हाथ ही खुद बोलने लग गए कान बोल रहे आंखें बोल रही है वो जवाबन कहेंगे कि हमें उसी ने बोलने की ताकत बख्शी जिसने हर शेयर को बोलना सिखाया हर चीज जो बोलती है उसको जिसने ताकत दी है उसी ने हमको भी ताकत दी उन मुशरिकों को ये गुमान न था कि उनके आज़ा उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे बल्कि वो ख़याल करते थे कि अल्लाह को उनके अमाल का पता ही नहीं अल्लाह कहाँ देखेगा हर चीज़ कहाँ दे कर आए बस उनका यही गुमान उनको ले डूबा आज मज़रतें करने से छुटकारा नहीं मिलेगा कितने भी एक्सक्यूज़ बताओ कोई काम नहीं आने वाला दुनिया में उन्होंने ऐसे लोगों को साथी बनाया था जो उनकी बुरी हरकतें भी ख़ूबसूरत करके उनके सामने पेश करते थे इसलिए जब दोस्त बनाओ तो सोच समझ के बनाओ कि किससे हमारी दोस्तियाँ हैं फिर रुको नंबर फोर है आया नंबर ट्वेंटी सिक्स से लेके थर्टी थ्री तक जिसमें कुरान करीम के दुश्मनों का जो अंजाम है वो भी बताया गया है और अहल इस्तकामत के लिए बशारत दी गई खुशखबरी दी गई है। काफिर कहते हैं कि कुरान न सुनो जब ये पढ़ने लगे कुरान तो शोर मचा कर गालिब आने की कोशिश करो ताकि कुरान हमारे तक पहुँचे ही ना हम उन्हें आख़रत में उसकी शदीद सज़ा देंगे काफिर कहेंगे अः अल्लाह जिन इंसानों और जिन्नात ने हमें गब्रह कर दिया था उन्हें हमें दिखा दे वो कहाँ है कि हम उन्हें पाव तले रोन डालें उनको कुचल दे क्योंकि उन्होंने हमें गुबरा किया था जबकि जिन बंदों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और तमाम मुखालफतों के बावजूद उस पर कायम रहे उन पर फरिश्ते उतरेंगे कि न खौफ करो वो कहेंगे फरिश्ते कि तुम अब खौफ ना करो ना गम खाओ तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है तुम जो चाहो यहाँ तुम्हें मैसर आ जाएगा तुम जो बोलेंगे मिलेगा जो मांगोगे वो मौजूद पाओगे रुको नंबर फाइव है आया नंबर थर्टी थ्री से लेके फोर्टी फोर तक जिसमें दावत अल्लाह की तरफ दावत के बारे में है उस शख्स से अच्छी बात किसकी है जो अल्लाह की तरफ बुलाएं और कहें कि मैं मुस्लिम हूँ आप ज्यादती का जवाब भी अफ दरगुज़र से दे, दें यानी उनको इग्नोर करें अगर वो ज्यादती कर रहे हैं तो इस्न सलूक की बदौलत आपका दुश्मन भी आपका पक्का दोस्त बन जाएगा क्या हुआ था उमर रद्द जैसे इंसान जो इस्लाम के पक्के दुश्मन थे जब उन्होंने देखा कि आप की आदत सहाबा के आदत तो क्या हुआ इस्लाम में गए और ऐसे आ गए कि वो पक्के दोस्त बन गए ये बात साबिर और साहेब नसीब लोगों को हासिल होती है अगर आपको दुश्मन से बदला लेने का ख्याल आए तो शैतान मरदों से अल्लाह के पना चाहें उन मशरक़ों को बता दें कि रात और दिन चाँद और सूरज अल्लाह की कुदरत के निशानात हैं सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए न कि सूरज और चांद के लिए सूरत और चाँद के लिए नहीं वो तो मखलूक है उसे अल्लाह ने बनाया जिसने बनाया उसकी इबादत मखलूक इबादत नहीं मशरक तकबुर करते हैं मगर फरिश्ते दिन रात अल्लाह की तस्वीर में मशगूल रहते हैं जो इनकार करते हैं देखते नहीं कि मुर्दा ज़मीन पर पानी बरसता है तो वो फ़ौर ज़िंदगी पा लेती हैं अल्लाह के आयात को उल्टे माने पहनाने वाले हमसे छुपे नहीं रहेंगे हमें हम सब पता है कौन कैसे माने पहना रहा है ये काफिर जिस किताब का इनकार कर रहे हैं ये एक ज़बरदस्त किताब है बात दिल इसके सामने ठहर नहीं सकता ये आप पर उसी किस्म के एतराज कर रहे हैं जैसे आपसे पहले रसूलों पर किए गए थे हमने ये किताब अरबी ज़बान में नाजिल की है ताकि ये न हो कि लोग कहें कि देखें ये आरबी में नहीं है और ये जो रसूल है वो अरब था तो क्यों नहीं उसके ज़बान में उतरा और फिर उसकी तफसील कैसे वो उससे पता होगी इसलिए अल्लाह ने नेरबी ज़बान में नाजिल किया है यह अहिल ईमान के लिए हिदायत और रोशनी है जो नहीं मानते गोया वो कानों के बहरे और आँखों के अंधे हैं फिर इस जुज का इस पारे का लास्ट रुको आता है रुको नंबर सिक्स आए नंबर फोटी फाइव से लेके फिफ्टी फोर तक लेकिन इस रुको के आदि आए थे ट्वेंटी फाइव पारे में आएगी ट्वेंटी फाइव जूस में आएगी इसमें बताया गया आजाब का जो वक्त है मुकर है फिर अमल की जजा मिलने वाली है और साथ साथ इंसान की थोड़ दिली करता है ना जल्दी में होता है बदुआ भी करता है अपने आप पे। हमने हज़रत को तवर दी तो बनी इसराइल ने इसमें इख्तलाफ किया अल्लाह की तरफ से आज़ाब का एक मुकर वक्त न होता तो उनका भी मामला साफ़ कर दिया जाता जो भी मिली है मोहलत मिली है। हर एक को मोहलत मिली है अगर गुनाह करने के बावजूद अल्लाह हमें नहीं पकड़ रहा है इसका मतलब यह है कि मोहल्त मिली हुई है याद रखो जो अच्छे अमल करता है अपने लिए करता है बदी करने वाले का बबाल उसी पर होगा जो बदी करेगा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 24 नंबर जो जोज है 24 नंबर पारा कम्प्लीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन